देखिए इस वक्त बिहार की राजनीति में इस तरह की चर्चाएं तेज हैं कि लालू के लाल तेजस्वी यादव बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं 12 फरवरी को, यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी की नई सरकार को गिराने वाले हैं। लेकिन ये कितना सच है, इसमें कितनी गहराई है, ये सब कुछ हवा हवाई है या फिर अंदर सच में कुछ चल रहा है, हम आपको एग्जैक्टली आज बताने वाले हैं। कोई हेर फेर नहीं करेंगे। हमारे साथ सहयोगी इस वक्त सुजीत पांडे मौजूद है। चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि देखिए इस वक्त हर पत्रकार, हर मीडिया चैनल, हर यूट्यूबर यही एनालिसिस कर रहा है कि तेजस्वी इस तरह से घटा जोड़ करके कहीं ना कहीं बिहार में अपनी सरकार बना लेंगे, बनाएंगे सरकार तेजस्वी। देखिए अर्पिता, 2024 में तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है। अच्छा, वो जितना खेला की बात कर ले उनके आंकड़े बिल्कुल नहीं है कि वो बिहार में सरकार बना लेंगे। सब हवा हवाई है, पूरी हवा हवाई है। ये बोल रहे खेला होंगे, उनके बयान पर तेजस्वी यादव एक बयान दिए हैं और उस बयान के आधार पर एनालिसिस किया जा रहा है। एक श्रवण कुमार जदयू के मंत्री हैं, उनके बयान पर ये एनालिसिस किया जा रहा है। एनालिसिस आपके लिए जमीनी हकीकत यही है पिता कि जिसको टूटने का डर था वो दिल्ली भागा आगे, दिल्ली के बाद हैदराबाद कांग्रेस, रेवंत रेड्डी के पास चला गया। यानी बचाइए मेरे विधायक को, बचाइए, ये लोग टूटने वाले हैं, ये लोग जदयू में जाने वाले हैं। अच्छा, ये लोग भाजपा में जाने वाले हैं। ये अलग बड़ा खेल हो रहा है। हाँ, खड़गे सबको बुला के लाए और जिसको नहीं टूटने का डर है वो बिहार में। लेकिन ये देखिए बता देते हैं बिहार में कौन है। भाजपा के सभी विधायक बिहार में हैं, जदयू के सभी विधायक बिहार में, नहीं तो उनको राजद के सभी विधायक क्यों ले जाएगा? देखिए लोग जानना चाहते हैं दर्शक, बोध गया देखिए अर्पिता, बोध गया कहाँ है? बिहार में है। और बोध गया में प्रभावी कौन है? राजद के हैं, सुरेंद्र यादव, उनके दो दो मंत्री हैं वहाँ बोध गया। हाँ, जहाँ राजद के घर है वही भाजपा गई है। अच्छा, भाजपा के घर अभी नहीं है, हालांकि पहले भाजपा वहां जीत के ज्यादा संख्या में आई है, पर अभी राजद का घर है वो, और राजद के घर में भाजपा जा रही है। यानी जो सुरेंद्र प्रसाद यादव, कुमार सरबजीत, उसके दो दो मंत्री, पूर्व मंत्री हैं वहाँ, उनके घर के बगल में भाजपा के विधायक रहेंगे। आप बताइए कि डर रहता तो वहां जाता। यानी कि फ्लोर टेस्ट से पहले जो बीजेपी अपने सभी विधायकों को बोध गया लेकर गई है, ये जो हवाएं चर्चाएं थी कि भाई बीजेपी के विधायक टूट रहे हैं, ये सच नहीं है। देखिए विधायक, देखिए अब हमको बता देते हैं, टूट हो ही नहीं सकता। आप कभी सुनिए कि भाजपा में कभी टूट हुआ है इस तरह के मामले में? नहीं, ऐसी खबरें हमेशा आप ये लेख पढ़ी होंगी कि कांग्रेस में टूट हुआ है। बिल्कुल, ऐसी खबरें आपके सामने आई होंगी कि कांग्रेस में टूट हुआ है, और इस पर बड़े बड़े लेख भी लिखे जाते हैं कि कांग्रेस में आखिर क्यों टूट होती है, ऐसी स्थिति में क्यों कमजोर पड़ जाती है कांग्रेस। भाजपा में कभी नहीं हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से लेकर अभी तक आप देख लीजिए, केंद्र में या बिहार में कहीं भी देख लीजिए, कहीं टूट नहीं हुआ है। और कांग्रेस उसकी इतिहास है टूट की, लोभ की इतिहास है। तो अर्पिता हम ये बता रहे थे, आप जो बात बोल रहे कि बोध गया क्यों जा रहे हैं, देखिए जो संगठन चलाने वाली पार्टी है जी, जैसे राजद एक जातिवादी कैडर पार्टी है, उसके विधायक नहीं टूटेंगे। वाम दल एक विचारधारा की पार्टी है, संगठन वाली पार्टी है, तो उसके विधायक नहीं टूटेंगे। और भाजपा ये भी एक विचारधारा से पार्टी आती है, इसके विधायक नहीं टूटेंगे। ये तीन दल नहीं टूटेंगे। टूटना किसको है? जदयू को। टूटना किसको है? कांग्रेस को। तो जदयू भी यही है, पटना में ही सब लोग रहेंगे, जहां राजद के भी सभी लोग हैं पटना में, भाई लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव है, उनके सभी विधायक सांसद रहेंगे उन्हीं के बीच में, पटना के किसी इलाके में उनका सभा होगा, मीटिंग होगा, बैठक होगा। कहा जा रहा है श्रवण कुमार के घर में भोज का व्यवस्था किया गया है, वहां की वो सब रुकेंगे। तो कहां, पटना में है सब, बिहार में। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं पब्लिक को कि देखिए इस वक्त जो ये खेला होना बाकी है, का ये जो शगुफा छोड़ा जा रहा है, एक तरह से बिहार में माहौल बनाया गया है कि एक खेल अभी अभी नीतीश कुमार ने किया है और दूसरा खेल तेजस्वी करने वाले जो शायद ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन वो तेजस्वी का खेल धरातल पर कितना सच है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए आंकड़ों से आपने बताया कि ना बीजेपी में कोई टूट हो रही है, ना ही यहां पर राजद में कोई टूट हो रही है।
टूट वाम दल में भी नहीं है, लेकिन टूट है कांग्रेस के अंदर, ये बड़ी बात है। जदयू के विधायकों की अगर हम बात करें, अभी देखा हमने कि जो तेजस्वी यादव की पत्नी है राजश्री यादव, उनके ट्विटर हैंडल से ये बात निकल कर आती है कि भाई जदयू के 17 जो विधायक है वो उनके संपर्क में है, राजद के संपर्क में है। देखिए अगर हम दल बदल कानून की बात करें तो 45 विधायक इस वक्त जदयू के पास है, उन 45 में से 30 विधायक अगर टूट जाते हैं जदयू के, तब उनको अलग गुट की मान्यता सदन में मिल सकती है। लेकिन आपको लगता है ये इतना आसान है कि जदयू के 30 विधायक टूट जाएंगे? देखिए जदयू के विधायक टूटना रहता तो जदयू के विधायक गोवा चल जाते अभी, या असम चले जाते, भेजा जाता उनको भाजपा के द्वारा। उनको टूटने का डर नहीं है, भाजपा पूरी तैयारी कर ली है, नीतीश कुमार से ज्यादा तैयारी भाजपा की है, क्योंकि भाजपा को सरकार बचाना है। 2024 की इलेक्शन है, 2025 की इलेक्शन है। दूसरी बात अर्पिता की 19 विधायक तोड़ना आसान है कि 40 विधायक तोड़ना आसान है, आप ही बताइए। 19 विधायक में से 13 विधायक अगर जदयू तोड़ ली या भाजपा तोड़ ली तो एक गुट का मान्यता कानूनी तौर पर मिल जाएगा उनको। कांग्रेस क्या बात कर, कांग्रेस की एक विधायक कह रहे कि कांग्रेस के विधायक को जदयू तोड़ रही है। हम यही कह रहे हैं ना, कांग्रेस के विधायक 19 है, 19 को तोड़ना आसान है कि जदयू के 40 विधायक को तोड़ना आसान। जदयू क्यों ऐसा कर रही है? देखिए जदयू इसलिए कर रही है कि अगर जदयू के साथ 13 विधायक जुड़ जाते हैं तो 58 उनकी संख्या हो जाती है, वो तीसरे नंबर की पार्टी तो कहलाएंगे 58 लाने के बावजूद भी, पर एक मजबूत पार्टी की तरह उभर जाएंगे। उनको लगा कि अरे मैं अपने दम पर बहुमत पाया हूँ, मुख्यमंत्री का एक आवाज में बुलंदी आ जाएगी, अभी लगेगा किसी के सहारे मुझे कुर्सी, अब ये लगेगा कि नहीं ये मेरी ही कुर्सी है, मैंने अपनी ताकत से ली है। तो नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहे हैं कांग्रेस को तोड़कर, और भाजपा भाजपा इसलिए तोड़ना चाह रही है कि भाजपा दिखाना चाह रही है कि कांग्रेस कितनी कमजोर है, उसके महागठबंधन कितने कमजोर है, वो कितने लालची लोभी लोग हैं कि टूट जाते हैं, ये भाजपा दिखाएगी। भाजपा को भी संख्या का कोई जरूरत नहीं, 13 आ भी जाएगा तो भाजपा का सरकार थोड़ी बन जाएगी, वो मुख्यमंत्री थोड़ी बन जाएगा भाजपा का, नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार के साथ ये 13 लोग जुड़ जाएंगे तो नीतीश कुमार एक सुपर सीएम हो जाएंगे, पर भाजपा के साथ ये 13 लोग जुड़ेंगे या 19 लोग जुड़ेंगे कांग्रेस के तो भाजपा को कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जदयू ज्यादा प्रयास कर रही है कांग्रेस को तोड़ने के लिए। अब दूसरी बात अर्पिता, आप जो राजद की बात बता रहे थे, तेजस्वी यादव की, उनकी पत्नी का बयान, देखिए राजनीति ये लोग कर रहे हैं, बयान करेंगे ही। तेजस्वी यादव का इतिहास देखिए, जब वो आईपीएल खेलते थे तो लास्ट मैच तक बैठे रहते थे कि मुझे एक मिल जाए, बैटिंग मिल जाए, जैसे कहते ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। हाँ, पर वो लास्ट तक बैठे रहते थे कि मुझे बैटिंग मिल जाए, वो बैठे रहेंगे 2025 तक। 25 का भी हम लोग करेंगे आकलन, पर अभी 24 का हो रहा है, अभी फ्लोर टेस्ट का हो रहा है। 2025 तक आईपीएल मैच के तरह बैठे रहेंगे। उनके पिताजी कोई जादुई करिश्मा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि भाजपा ही इस चीज में माहिर है, लालू यादव नहीं माहिर है। एनालिसिस यही है अर्पिता, आम जनता जो राजनीति को समझती है वो समझ रही है कि जिसको भागना था, जिसको बिकना था, वो उसको लोग उठा के ले गए हैं हैदराबाद, जिसको नहीं बिकना है, जो नहीं टूट सकता है वो यही है। अब देखिए अर्पिता, एक पॉइंट और जोड़ जाते हैं, हमको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जिसको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था, उनको एक टूटेंगे वो, तो टूट के 4 को टूट के भी जाएंगे उधर, तो एनडीए को क्या होने वाला है? 124 पर एनडीए रहेगी, 122 का बहुमत चाहिए, 2 आगे रहेगी, उधर जाके भी क्या करेंगे? इसलिए तो नहीं जा रहे। यानी मांझी के जाने से ये जो एनडीए गठबंधन है, बीजेपी जदयू, इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार गिरने वाली नहीं है मांझी के जाने से? बिल्कुल नहीं, अगर गिरने वाली होती ना तो मांझी के जो बेटे थे अभी डिप्टी सीएम, हम बता रहे हैं ना, अभी एनडीए की सरकार गिरने वाली होती मांझी के बदलत, तो मांझी के बेटे डिप्टी सीएम रहते और हो सके वो वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इस तरह के मंत्रालय उनके पास हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जरा सी भी भनक होती कि मांझी आने वाले वक्त में बहुमत के वक्त अगर इधर उधर की राजनीति कर सकते तो मांझी के बेटे संतोष सुमन को बीजेपी मंत्री बनाने के बजाय सीधे एनडीए की जो नई सरकार बनी है इसमें डिप्टी सीएम का पद दे देते। यानी यहाँ पर सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा की जगह संतोष सुमन का नाम होता ही। अच्छा, मांझी के रहने न रहने से थोड़ा फायदा तो है कि आप बहुमत के साथ है, न रहने से कोई ज्यादा फायदा
ऐसा ज्यादा नुकसान नहीं। देखिए अगर मांझी राजद की तरफ चले भी जाते हैं तो राजद के, कांग्रेस के, वाम दल के और मांझी के, इन सबके विधायकों की संख्या का जोड़ आता है 119 और 119 बहुमत का आंकड़ा नहीं है, बहुमत का आंकड़ा है 122। 122 के लिए अगर जदयू के कुछ विधायकों को तोड़ा जाएगा तो सीधे दल बदल कानून लागू होगा और इस कानून के लागू होते ही उन विधायकों की सदस्यता विधानसभा से रद्द हो जाएगी। ये तब प्रभावी होगा जब जदयू के 45 में से 30 विधायक टूटकर राजद की तरफ चले जाए, तब उनको एक गुट की मान्यता सदन की तरफ से जरूर मिल सकती है, लेकिन ऐसा बहुत संभव नजर नहीं आता है। यानी तेजस्वी यादव का बार बार ये कह देना कि खेल तो होना अभी बाकी है, ये सिर्फ हवा बनाने की बात है, सदन में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि उन्होंने हाथ पैर बहुत ज्यादा मारे हैं, कोशिशें उन्होंने बहुत की है और इन्हीं कोशिशों का असर ये हुआ कि कांग्रेस विधायकों में हलचल मच गई। कांग्रेस विधायकों ने अपना रास्ता खोजना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें यह लगा कि अब हमें ना तो राजद के साथ रहकर अपना भविष्य सही नजर आ रहा है और ना ही अकेले रहने में कोई फायदा दिख रहा है, तो क्यों ना कुछ विधायक बीजेपी की तरफ या जदयू की तरफ मूव कर ले ताकि आने वाले चुनाव में उनको कुछ फायदा हो पाए। खैर एक अंतिम जो मैं आपसे सवाल जरूर लेना चाहूंगी, कई इस तरह के विश्लेषण हो रहे हैं कि अगर सदन में जदयू के कुछ विधायकों को अनुपस्थित रहने के लिए कह दिया जाए तब क्या ये संभव हो पाएगा कि कुछ विधायक जदयू के, मान लीजिए जो विधायक घट रहे हैं 16 से 17 विधायक, अगर सदन में पहुंचे ही नहीं तब वहां पर जो बहुमत का आंकड़ा पेश करने की जब बारी आएगी सदन में नीतीश कुमार की, जब संख्या घट जाएगी क्योंकि 45 में से 16-17 अगर हट जाएंगे तो सीधे संख्या घटेगी, तब क्या यहाँ पर तस्वीर सामने आएगी? तो भोज किसके लिए हो रहा है? श्रवण कुमार के यहाँ भोज किसके लिए हो रहा है 10 तारीख को? 11 तारीख को मीटिंग किस लिए हो रहा है? सबको एक जगह ला कर रखने के लिए तो हो रहा है, इसी के लिए तो हो रहा है, कोई एक दो भटके नहीं उसमें से, इसीलिए तो हो रहा है। श्रवण कुमार के यहाँ भोज होगा जदयू के सभी विधायकों का, वरीय नेताओं का, उस भोज में भाई उनको बताया जाएगा कि आपको एक साथ रहना है, यहाँ रहना है, एक साथ जाना है, सभी का एक मॉनिटर बनेगा, लोग उसको मॉनिटर करेंगे, उसको एक साथ जाएंगे सदन में। यानी सदन से जदयू का कोई विधायक गायब नहीं रहने वाला है? नहीं, उसकी तैयारी भाजपा और जदयू ने कर रखा है, भाजपा सबको गोद गया इसी के तो ले जा रही है, लेकिन कि भाई कोई बीमार न पड़े, किसी का रोड एक्सीडेंट न हो जाए, किसी का कोई पारिवारिक कारण न हो जाए, कोई बहाना न हो जाए। अब भाई आप 5 ही विधायक को कम कर दे और एक खेला ये हो सकता, तेजस्वी यादव अगर खेलना चाहे तो भाई नीतीश कुमार के 3-4 विधायक भाजपा बीजेपी के और हम के 4 विधायक इधर ले ले, वो हम के 4 विधायक नहीं जाए तो खेला तो हो जाएगा, बहुत आसानी से खेला हो जाएगा। तो अगर हो सकता है तो इसके लिए भाजपा यदि उन्हें तैयारी कर रखा है, लेकिन इसमें एक जो नियम कहता है कि अगर वो विधायक अनुपस्थित रहते हैं बहुमत के आंकड़े के दौरान तो उनकी सदस्यता पर भी खतरा आ जाता है। हाँ, बहुत आना ही आना, उनको जवाब देना पड़ता है विधानसभा अध्यक्ष को कि भाई उनको ठोस जवाब देना पड़ता है क्योंकि सरकार का वो हिस्सा है, जब सरकार बनते वक्त ही वो मौजूद नहीं रहेंगे तो उनकी सदस्यता पर खतरा है। सदस्यता पर खतरा है ये तो है, पर सरकार तो गिर जाएगी, सरकार तो, पर ऐसा होना नहीं है क्योंकि नहीं, कई ऐसे हमने लोगों की चर्चाएं सुनी है कि मान लीजिए उनकी सदस्यता गिर जाती है अगर, तो राजद उनको ये ऑफर दे सकते हैं, मान लीजिए जदयू के ही 6-7-8 विधायक अनुपस्थित रह जाते उस दिन, नहीं पहुंचते सदन के अंदर, तो उनको ये ऑफर राजद दे सकती है कि आने वाले चुनाव में उनको मंत्री पद ऑफर करेंगे या लोकसभा के चुनाव में सीट ऑफर कर देंगे। ये खेल की एक चर्चा हो रही है, आपको लगता है ये खेल हो सकता है? नहीं हो सकता। अब ये खेल एक तरफ से ही क्यों हो सकता है? भाजपा जदयू की तरफ से क्यों हो सकता है? कांग्रेस की तरफ से नहीं हो सकता है? ये खेल वाम दल की तरफ से नहीं हो सकता? जब भाजपा की तरफ से हो सकता है तो वाम दल तो बहुत कमजोर पार्टी है, ये दल राजद की तरफ से नहीं हो सकता? राजद के लोगों को मंत्री बनने का ख्वाहिश नहीं, सांसद बनने का ख्वाहिश नहीं है जी। तो ये तीसवीं आ तो एक तरफ से क्यों सोच रहे हैं या लोग एक तरफ से क्यों सोच रहे हैं? हमने ये करा, ये नहीं सोच रहे कि भाजपा क्या कर रही होगी अभी,
जी भाजपा क्या बोध ज्ञान सिर्फ भोज पार्टी करेगी? नहीं, कई तरह के एनालिसिस इस तरह के सामने आ रहे हैं जिस पर हमने आपकी राय ले ली है। देखिए, इन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी है, तो कुल मिलाकर अगर राजद ये कह रहे हैं कि वो ऐसा कर देगी वैसा कर देगी तो सरकार गिर जाएगी, ये सब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि राजद अगर 2 कदम चलती है तो बीजेपी 10 कदम चलती है, और बीजेपी ने ये 10 कदम की तैयारी पहले से ही करके रखी है, तभी ये सत्ता परिवर्तन भी बिहार में देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने आगे की भी तैयारी करके ही रखी है। खैर, हमने सारी चर्चाएं की हैं, आगे भी ऐसी चर्चाएं लेकर आएंगे और हर एक बिंदु पर अच्छे से विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि जो बाकी लोग बता रहे हैं उसमें कितना दम है और असल में बिहार की सत्ता और सियासत में क्या चल रहा है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।